ये देखिए लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने किया है। ये देखने को चौदह तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले, ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। आज ये प्रसन्नता का विषय हमारे लिए कि आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इन्होंने अपना नामांकन लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भरा है और आज और भी स्थानों पर इस प्रकार के जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं 12 तारीख तक सब नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की सूची ये घोषित हुई है और मुझे लगता है कि आज ही बाकी जो बचे हुए सभी प्रत्याशियों की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूं अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहां स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो अपना कार्यकाल ये पूरा किया है इसमें जो जनता को हमने लाभ पहुंचाए हैं एक मूक क्रांति के नाते और हम लोगों ने काम किया है। हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है वो बहुत कोई इनकी तरह कोई बड़बोला नहीं है, बड़ा इस मूक क्रांति में शांति से काम करने वाला, बल्कि जो जनता के लोग हैं जो घर बैठे जिनको सारे लाभ मिलते हैं निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को अगला एक मौका देने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, कोई उनका व्यक्तिगत कारण ऐसा हमें बताया गया है कि वो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम पार्टी के नाते से दूसरा कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे। सर, पूरे प्रदेश में आप लगातार घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद जो है वो भी लगातार घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और खुद आज का यदि हम रोड शो का जिक्र करें एक जोरदार मैसेज देने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है, कैसा माहौल जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है? मैंने आपको बता दिया कि माहौल पूरे प्रदेश में ऐसा बना है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहां के मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया तो ये आखिर पूरी करनी है, इस पूरी करने में निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी। कांग्रेस और आपका गठबंधन नहीं हुआ सर, किसको किस तरह से देखते हैं? ये कह रहे थे हुड्डा साहब की गठबंधन होगा तो आप भी बोल ली थी गठबंधन होगा, ऐसा कि इनके यहाँ पार्टियों का सिस्टम तो है नहीं, व्यक्तियों का सिस्टम है। एक नेता कहता है गठबंधन होगा, दूसरा कहता नहीं होगा, कोई किसी को कुछ वायदा कर रहा है, कोई किसी को वायदा कर रहा है और इनके वायदे करने में इनके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, दुकानें खाली पड़ी हैं। तो खाली दुकान में जब सौदा नहीं होता और बदले में पैसे वगैरह इकट्ठे कर लें तो उनका दिवालिया तो पिटना ही है।